दोस्तों भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेले गए दूसरे T20 मैच में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। भारत ने जब अपने पहले 3 विकेट जल्दी ही गवा दिए थे तब ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान कोच राहुल द्रविड़ मैदान पर आए थे। हर कोई सोच रहा था कि आखिर द्रविड़ बीच मैदान में क्यों आए हैं, क्योंकि ऐसा मौका कम ही आता है जब कोई कोच ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान मैदान पर जाए। सूर्य कुमार यादव के आउट होने के बाद 10वें ओवर में राहुल द्रविड़ ने ब्रेक में एंट्री मारी और द्रविड़ ने विराट कोहली से बात की कि यहां पर जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। द्रविड़ ने कोहली से यह बात इसलिए बोली क्योंकि कल विराट कोहली एक अलग ही अंदाज में बैटिंग कर रहे थे और थोड़ा जल्दबाजी में दिख रहे थे और टीम इंडिया ईशान किशन, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव के विकेट सस्ते में पहले ही गवा चुकी थी और उस समय इंडिया को एक अच्छी पार्टनरशिप की बेहद जरूरत थी।